गाइज हैप्पी नवरात्रे सबको। तो गाइज नवरात्रों में हमने सोचा आज हम माता के दर्शन कर दें गुड़गांव में शीतला माता। भाई हम गुड़गांव में रहते थे, शीतला माता क्यों नहीं आएंगे। तो आज हम आए शीतला माता मंदिर। तो फ्रेंकली बोलूँ गाइज मैं पहली बार आ रहा हूँ गुड़गांव में रह के, समस्या आई हुई है पहले। तो चलो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है और नवरात्रों में माता के दर्शन करना तो सौभाग्य वाली बात है। गाइस देख सकते हो सिटी वीआईपी एंट्री हमारी 5 मिनट में, वीआईपी एंट्री 5 मिनट में दर्शन। यार हमें चुन्नी नहीं दी वापिस, ये हमें प्रसाद मिला है माता की तरफ से। चलो मैंने भी पहली बार दर्शन कर लिए माता के। ये चढ़ावा ऐसे रख देते हैं गाइज, ये बैक साइड है शीतला माता मंदिर की, आप देख सकते हो कितनी मान्यता है यहाँ की। हमने वीआईपी एंट्री मारी, 5 मिनट में दर्शन और गायब। ये देखो लाइन अभी तक लगी हुई है गाइज। तो फाइनली हमारे दर्शन हो गए हैं, हैप्पी नवरात्रि आप सबको। और शीतला माता जो लोग नहीं आए प्लीज आओ, यहाँ बहुत मान्यता है यहाँ पे शीतला माता की गुड़गांव में। आप देख सकते हो कितनी भीड़ थी यहाँ पे। गाइस हम गुड़गांव के रह के ही गुड़गांव वाले नहीं आए, ये नहीं आया हुआ। मैं बहुत बार आई हूँ मैं, क्योंकि सारे फास्ट सकती इसलिए तो मैं आई हूँ पहले भी। बहुत अच्छा लगता है यहाँ, दुनिया दूर दूर से आ रही है, पैदल पैदल आ रही है। आज भीड़ है तो जल्दी जल्दी हमारा हो गया दर्शन, वरना अंदर पूरा घूमने में बहुत टाइम लगता है। यहाँ पे काफी अच्छा मंदिर है, मस्ट विजिट गाइस नवरात्रि में। हैप्पी नवरात्रि, जय माता दी। तो गाइस अभी मेरा मन नहीं भरा, मैं दूसरे गेट से फिर अंदर आ गया माता के दर्शन करने के लिए। तो गाइस हमें चुन्नी मिलते हुए एक नारियल भी मिला। नारियल कहाँ से मिला? पंडित जी ने। तो गाइस मंदिर में भी ये चालाकी है, इसकी जाती नहीं है, आप देख सकते हैं। गाइस सुंदर मना रखा है, सुंदर है सुंदर। चलो और यहाँ ज्यादा ना वीडियो बनाने के लिए कोई कुछ कह नहीं रहा मंदिर के साथ। गाइस मैं बाहर चल के आपको भीड़ दिखाऊंगा, बहुत दूर दूर से पब्लिक आई हुई है दर्शन करने के लिए। जय माता दी, दान सारे मांगे हैं। गाइस तो अब आ गए हैं हम थोड़ी पेट पूजा करने ओम स्वीट में पालम विहार। मेरा जैसे कि व्रत है तो मैं लूंगी व्रत वाले में से और नवनीत लेगा नॉर्मल खाना। क्या लोगे नवनीत? गाइस मैं खाने वाला हूँ पाव भाजी। शर्म नहीं आ रही इसको, मेरा व्रत है और ये पाव भाजियाँ खा रहा है। आज कुछ चटपटा खाने का मन है, वैसे तो हर हफ्ते खाते हैं पर आज अकेले खाने का जो मन है ना वो अलग ही होता है। ये है मेरा मेन्यू, पर ये मेरा अकेला नहीं होगा क्योंकि उसमें भी हाथ मारेगा तो
मैं मंगाऊंगी आज काफी कुछ, लास्ट व्रत है जो मना सकते हैं मतलब बाहर, फिर घर का ही खा पाएंगे, ऑफिस जाना है इसलिए। ये मुझे देना। क्या कहा था, तीन वर्ष का खाना खाएगा ये मुझे देना। अरे बस करो यार। ओम की व्रत की थाली में आया है सामक के चावल, पनीर, आलू की सब्जी, पेठा, फ्रूट वाला रायता, मिर्च और खीरा, और ये है पराठे, मैं अभी दिखाती हूँ आपको। दो पराठे, तो ये थाली आपको पड़ेगी 400 रुपए की, 375 की। दो जने इसमें आराम से खा सकते हैं। नवनीत, तो गाइज अब निकल चुके हैं खाना खा के, हर बार की तरह पहले ज़्यादा ठूस लिया, फिर अब अफसोस हो रहा है कि इतना क्यों खा लिया, पेट बिल्कुल फुल, और इसका भी, इसका व्रत की थाली भी मुझे खानी पड़ी, अपना ही मुझे खाना पड़ा। अब पूरी रात पछतावा रहेगा यार। सब झूठ है, लेके जा रहा है अभी, वो तो घर के लिए है। तो गाइज ब्लॉग को करते हैं यही एंड, होप आप सबको अच्छा लगा होगा ये नवरात्रि स्पेशल व्लॉग हमारा। भाई जिसने इतना खा लिया इससे बोला भी नहीं जा रहा, देख लो। मैंने ये एक व्रत वाले इंसान से भी ऐसी बात करता है तो अब तो व्रत में कम खाना होता है, तुमने पूरी एक स्पेशल थाली पूरी खा ली। पूरी खाई है, तुमने नहीं खाया उसमें? सब्जी छोड़ दी उसमें मैंने, सब्जी और पराठा नहीं खाया मैंने। कहा खाया पराठा, झूठ मत बोलो यार व्रत में झूठ। गाइस तो माता रानी देख रही है सब कुछ, माता रानी देख रही है सब कुछ कि व्रत वाले इंसान झूठ नहीं बोलता। तो हैप्पी नवरात्रि सबको, अच्छे से कंजक वंजक सब करना, और व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज यार प्लीज कर दो यार। अब तो मतलब हम रेगुलर डाल रहे हैं, अब देख लो गाइस, प्लीज सब्सक्राइब लाइक शेयर दिस वीडियो, शेयर कर दो सबको, और बेल आइकन भी दबा दो ताकि दो, हर बार याद दो पागलों की वीडियो। ठीक है गाइस बाय, मैं पागल नहीं हूँ यही है।